अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ट्रक में करंट उतर गया। तभी उधर से निकल रही दो बाइक भी करंट की चपेट में आ गए और उस पर सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही शवों में आग लगने से ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। ट्रक परिचालक ने कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। इस घटना में तीन लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि कई अन्य झुलस गए। पुलिस व फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। बता दें कि आज गंगानगर परीक्षितगढ़ संपर्क मार्ग पर शेखपुरा गांव है, यहीं यह घटना हुई। दरअसल परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के बड़ला गांव निवासी जयवीर व जय भगवान समेत छह लोग दो बाइक से सिखेड़ा गांव अमेहड़ा में लड़की देखने गए थे। दोनों बाइक पर दो महिलाओं समेत छह लोग सवार थे। शिवपुरा के निकट उनके साथ यह हादसा हो गया। इस हादसे में ताऊ व भतीजे की करंट से जलकर मौत हो गई। SP देहात अविनाश पांडे ने इस घटना की जानकारी दी है, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने इधर ट्रक खड़ा हुआ है, ये बड़ा ट्रक इधर से आ रहा था और इसके सामने से ये सकरा रास्ता होने की वजह से एक मोटरसाइकिल जा रही थी जिस पर कि तीन लोग बैठे हुए थे ऐसा बता रहे हैं। वो मोटरसाइकिल स्पीड कर गई और उसमें जो इसका राइट फ्रंटल टायर है उसमें और बाइक में आग लग गई और एक्सीडेंट तथा आग के कारण तीन लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें दो लोग उस बाइक पर सवार थे और एक इस ट्रक में या ड्राइवर या क्लीनर था। तो अभी इनकी पुष्टि की जा रही कि ये लोग कहाँ के हैं और किस कारणों से आग लगी है। जो कुछ लोगों की बात आ रही थी कि तार से आग लगी है, तो इधर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करा दी गई है और अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है।